नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 का 27वां संस्करण सिडनी ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों और विमान की भागीदारी देखी गई। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित विध्वंसक INS कोलकाता, फ्रिगेट INS सह्याद्री और P-8I समुद्री गश्ती विमान द्वारा किया गया था। यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें एक बंदरगाह चरण और एक समुद्री चरण शामिल था। मालाबार अभ्यास के समुद्री चरण में हवा, सतह और समुद्र के नीचे के क्षेत्रों, हथियार फायरिंग और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन में जटिल और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास देखे गए। समुद्री अभ्यास की मालाबार श्रृंखला 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में इसका कद इतना बढ़ गया है कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र की 4 प्रमुख नौसेनाएँ शामिल हो गई हैं। इससे प्रश्न क्या बन सकता है? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 का कौन सा संस्करण सिडनी ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ? तो 27वां संस्करण। कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है? शुभमन गिल को 3 पुरस्कार, दीप्ति शर्मा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। भारत के शुभमन गिल को CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। वर्ष का पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नामित होने के अलावा गिल को वर्ष का CEAT पुरुष अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज और युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज के रूप में वर्ष का वनडे बल्लेबाज भी नामित किया गया। अपने 25वें संस्करण में पुरस्कारों ने महिला क्रिकेटरों के उल्लेखनीय प्रदर्शन को मान्यता दी, जिसमें दीप्ति शर्मा ने CEAT महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। शेफाली वर्मा को अंडर-19 महिला विश्व कप के लिए सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कार विजेता कौन कौन है? मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव को IPL और T20 मैचों में उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए T20 बैट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया, जबकि हमवतन भुवनेश्वर कुमार को CAT T20 बॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। 1983 विश्व कप विजेता मदन अली और उनके पूर्ववर्ती कपिल देव के ओपनिंग बॉलिंग पार्टनर्स करसन घावरी को CAT लाइफ टाइम अचीवमेंट विजेताओं से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन क्या बन सकता है? CAT क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? दीप्ति शर्मा ने। आइए देखते हैं अगली न्यूज़। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर में गुवाहाटी हवाई अड्डा पहला है। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। डिजी यात्रा सेवा हवाई अड्डे के 3 प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध होगी, अर्थात पहला प्रवेश द्वार, चेक इन और बोर्डिंग क्षेत्र। हवाई अड्डे का संचालन अदानी एयरपोर्ट द्वारा किया जाता है। डिजी यात्रा भारत में एक नई अवधारणा है क्या ये, जिसे नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। डिजी यात्रा में चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो आधार से जुड़ी होती है। हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा बुनियादी ढांचे के चरणबद्ध कार्यान्वयन और स्थापना से हवाई यात्रा की आसानी और दक्षता में वृद्धि होगी। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। प्रश्न, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वोत्तर में डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। BPCL ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। ये देखिए, ये राहुल द्रविड़ हैं। दूसरी सबसे बड़ी भारतीय तेल विपणन कंपनी भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने क्रिकेट के दिग्गज और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। राहुल द्रविड़ BPCL की प्योर फॉर श्योर पहल स्किल मेक लुब्रिकेंट्स की रेंज का प्रतिनिधित्व करेंगे।
बीपीएल भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह बीना, कोची और मुंबई में 3 रिफाइनरी संचालित करता है। बीपीसीएल भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डाउनस्ट्रीम तेल उत्पादक है, जिसके संचालन की देखरेख पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है। बीपीसीएल स्थापित कब हुआ? 1976। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष कौन है? जी कृष्ण कुमार। प्रश्न क्या बनेगा? दूसरी सबसे बड़ी भारतीय तेल विपणन कंपनी बीपीसीएल ने किस क्रिकेट दिग्गज को अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? राहुल द्रविड़ को। अगली न्यूज देखते हैं। एनएचपीसी ने 2880 मेगावाट की रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए राइट्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्य के स्वामित्व वाली पन बिजली कंपनी एनएचपीसी ने अरुणाचल प्रदेश में 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए राइट्स के साथ एक प्रारंभिक समझौता किया है। एनएचपीसी की अपने 25 बिजली स्टेशनों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 7097.2 मेगावाट है, जिसमें इसकी सहायक कंपनी के माध्यम से 1520 मेगावाट भी शामिल है। एनएचपीसी और राइट्स के बीच रणनीतिक साझेदारी दोनों संगठनों की विशेषता की पूरक है। एनएचपीसी लिमिटेड यानी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कब स्थापित हुआ? 1975 में। मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? श्री राजीव कुमार विश्नोई। प्रश्न क्या बनेगा? राज्य के स्वामित्व वाली जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी ने अरुणाचल प्रदेश में 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ प्रारंभिक समझौता किया है? तो राइट्स के साथ। अगली न्यूज क्या है? नए निवेश में यूपी, गुजरात शीर्ष 5 राज्यों में शामिल। खुशी की बात है ये। 2022-23 में नए निवेश के मामलों में उत्तर प्रदेश और गुजरात भारत के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हैं। आरबीआई के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए कुल निवेश प्रस्तावों में से इन दोनों राज्यों की हिस्सेदारी 57.2% थी। 2022-23 में यूपी ने नए निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा आकर्षित किया, जिसकी कुल परियोजना लागत 43,180 करोड़ रुपये थी। इसके बाद गुजरात हैं, फिर ओडिशा हैं, फिर महाराष्ट्र हैं और फिर कर्नाटक। शीर्ष 10 अन्य राज्यों में तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। कारक कौन कौन से हैं? आरबीआई के अध्ययन में इन राज्यों में नए निवेश में वृद्धि के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जैसे व्यापार करने में आसानी, उनके बड़े और बढ़ते बाजारों और उनके रणनीतिक स्थान में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। उदाहरण के लिए यूपी ने हाल के वर्षों में अपने निवेश माहौल को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया है। राज्य ने नए व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए कई पहल शुरू की है, जिसमें यूपी निवेशक सुविधा पोर्टल, यूपी औद्योगिक विकास नीति 2020 और यूपी स्टार्टअप नीति 2021 शामिल हैं। गुजरात दूसरा राज्य है जो नए निवेश आकर्षित करने में सफल रहा है। राज्य में एक अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा और कुशल कार्यबल है, जिसे व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। गुजरात कई विशेष आर्थिक क्षेत्रों का भी घर है, जो निवेशकों को कई तरह के प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। ये सब कारण है जिससे गुजरात और यूपी पहले नंबर पर हैं निवेश के मामले में। प्रश्न, किस राज्य ने 2022-23 में 43,180 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ नए निवेश के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है? यूपी। यूपी वालों के लिए बढ़िया न्यूज़ है, नहीं तो अब तक यूपी केवल खराब मामलों में आगे रहता था। अगली न्यूज़, केनरा बैंक ने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। केनरा बैंक ने केनरा डिजिटल रुपया नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को व्यापारी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करने और डिजिटल मुद्रा का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देता है। यह पहली बार है कि भारत में किसी बैंक ने इस तरह का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। केनरा डिजिटल रुपया ऐप भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सीबीडीसी भारतीय रुपये का एक डिजिटल संस्करण है, जो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। यह सुविधा व्यापारियों को सीबीडीसी के एक अलग ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया की आवश्यकता के बिना उनके मौजूदा यूपीआई क्यूआर कोड का उपयोग करके डिजिटल मुद्रा भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाती है।
केनरा बैंक के बारे में समझ लेते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है? बेंगलुरु भारत में। गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? विजय श्रीरंगम। एमडी और सीईओ कौन है? के सत्यनारायण राजू। प्रश्न, भारत में पहली बार किस बैंक ने उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापारी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करने और डिजिटल मुद्रा का उपयोग करके भुगतान करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है? केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईकॉम 18 ने गूगल के किरण मणि को डिजिटल व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया है। ये हैं किरण मणि भाई साहब। आइए पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। वाईकॉम 18 ने गूगल के किरण मणि को डिजिटल व्यवसाय संचालन की देखरेख के लिए सीईओ नियुक्त किया है। वर्तमान में मणि गूगल में एशिया प्रशांत क्षेत्र में एंड्रॉयड और गूगल प्ले के लिए महाप्रबंधक और एमडी के पद पर हैं और 13 वर्षों से अधिक समय से कंपनी से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार डिजिटल व्यवसाय के प्रमुख के रूप में मणि पर जियो सिनेमा के विस्तार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी होगी। पिछले दिनों डिज्नी स्टार की केविन वास टीवी और डिजिटल क्षेत्रीय मनोरंजन के सीईओ के रूप में वाईकॉम 18 में शामिल हुए और डिज्नी स्टार के एक अन्य पूर्व कार्यकारी आलोक जैन भी वाईकॉम 18 में कलर्स हिंदी और क्षेत्रीय के अध्यक्ष और प्रमुख के रूप में शामिल हुए हैं। वाईकॉम 18 क्या है? वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई भारत में स्थित एक भारतीय मीडिया कंपनी है। यह नेटवर्क 18 ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी और पैरामाउंट ग्लोबल के बीच एक संयुक्त उद्यम है। 2007 में स्थापित हुई है। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। किस मीडिया दिग्गज ने डिजिटल व्यवसाय संचालन की देखरेख के लिए गूगल के किरण मणि को सीईओ नियुक्त किया है? वाईकॉम 18 ने। नेक्स्ट न्यूज़ सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के लड़के ने रजत पदक जीता। ये तिरुपति के चौथी कक्षा के छात्र राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने हाल ही में आयोजित सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में रजत पदक जीता है। इसमें भाग लेने वाले 23 भारतीयों में से 8 वर्षीय आंध्र प्रदेश से एकमात्र प्रतिभागी थी। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में 32 देशों के 2000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया जहां राजा अनिरुद्ध ने शानदार प्रदर्शन किया। 4 साल की छोटी उम्र में उन्होंने असाधारण स्मृति और बारीकियों पर ध्यान देते हुए केवल 160 सेकंड में आश्चर्यजनक 100 कारों की पहचान करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। 6 साल की उम्र तक उन्होंने पहले एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली थी जो उससे कई गुना अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए उल्लेखनीय होगी। राजा अनिरुद्ध प्रतिष्ठित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए जो उनके कंप्यूटेशनल कौशल और तकनीकी योग्यता का प्रमाण है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं, प्रधानमंत्री ली सीन लूंग हैं, मुद्रा सिंगापुर डॉलर। प्रश्न क्या बनेगा? राजा अनिरुद्ध राम जिन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में रजत पदक जीता किस भारतीय शहर से हैं? तिरुपति से हैं। अगली न्यूज़, केसीसी और एमएसएमई ऋण लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। एक्सिस बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा पेश किए गए फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित 2 ऋण उत्पादकों के लॉन्च की घोषणा की है। एक्सिस बैंक के बारे में समझ लेते हैं। स्थापित कब हुआ? 3 दिसंबर 1993। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। अध्यक्ष कौन है? श्री राकेश मखीजा। प्रश्न क्या है? हाल ही में किस बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन द्वारा पेश किए गए फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित 2 ऋण उत्पादों को लॉन्च करने की घोषणा की है? एक्सिस बैंक ने। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम लोग और न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।